हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए 20 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर की तेजी दिखा चुका है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर आए तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 8.5% के करीबन तेजी देखने को मिली है। वहीं 1 महीने में इस स्टॉक में 16%, 3 महीने में 5% और 6 महीने में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा। परंतु अगर हम देखें 1 साल में तो इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 38% के करीबन तेजी देखने को मिल रही है। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर लॉन्ग टर्म में देखें तो एक बड़ी रैली देखने को मिली है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो इस स्टॉक ने अपने एक हाई को ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 45 रुपीज। 45 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई बॉटम था, जहां पर इस स्टॉक में अब एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाना चाहिए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ले सकते हैं अराउंड 43 रुपीज। 43 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहेगा, जहां से इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो अराउंड 43 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 55 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन बनाए, वहां पर एक बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।